आने वाला समय अपना है, अपना मतलब एमपी साहब की सरकार आ रही है तो एमपी साहब की आएगी तो सब अपनी अपनी सरकार हो गई। तो अपन तो एक ही चीज कहना चाहते हैं साहब को आश्वस्त करके, मेजर साहब आपका जिधर इशारा होगा उधर ही चलेंगे, साहब जैसे भी कहेंगे ना वैसे ही करेंगे, ये आप साहब को आश्वस्त। आने वाला समय अपन सब लोगों को एक राय होकर एक मुश्त होकर जिस भी तरफ जाना है अपने एक राय होकर जाना है। ये साम्यवादी सरकार है, आप लोगों ने बताया अभी एक सामगल के अंदर केस हुआ, बहुत सारी ऐसी घटना हुई और पूरे राजस्थान के अंदर ऐसी है, किसान कम्युनिटी के लोगों को चुन चुन के टारगेट किया जाता है। अभी अपराध किसी ने किया, आदमी खत्म हो गया, मारने वाले कौन लोग थे उनको तो कोई मतलब नहीं है। और जो लोग जो अगर मान लो उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए वहां चले गए, किसी के साथ में चले गए, उन लोगों को टारगेट करके कर मुकदमा में डाल दें। 28 मुकदमे दर्ज कर लिए, अभी उसमें ओरिजिनलिटी जो क्या थी, मैं उस एक्सीडेंट के नजदीक रहा, मैं उस घटना के साथ में उस दो दिन रहा। एक्चुअली जो प्लानिंग करके इन लोगों ने जो प्लानिंग करके, हालांकि जो घर जले वो गलत जले, अपन उनकी कोई वो नहीं कह रहे भाई घर किसी ने भी जलाए, हालांकि वो न्याय दिलाने की जो बात करे थे उन लोगों ने कोई घर नहीं जलाए। जैसे भी प्लानिंग करके जिन लोगों ने वो एक बहुत ही बड़ा एक न्यायिक विभाग के जांच का विषय है, उसके अलावा अगर मान लो निर्दोष लोगों को टारगेट करके थाने के अंदर डाले, आज भी कुछ ऐसे लोगों ने निर्दोष लोगों को अभी गिरफ्तार किया है अथवा दो घंटे पहले, उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। जैसे कोई बेचारे अलंकार आदमी है और वो वहां मुख्य पर चला गया और उनके मुकदमा के अंदर नाम डाल दिया, तो कल मुख्यमंत्री से मिलने का टाइम नहीं, जो भाजपा के जो जात और दूसरी कम्युनिटी के जो नेता है वो सब मिलेंगे। अगर उनका निर्णय अगर सही अगर मैडम मान लेती है और ठीक बात है, बाकी आप सब लोगों को आना पड़ेगा और न्याय मांगने की हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इस बात के लिए आपको दया देना पड़ेगा, बहुत अन्याय हो रहा है और अन्याय सहन नहीं करेंगे। आप सब लोग मजबूती से अपने इन बातों से लड़ाई लड़नी पड़ेगी तभी अपने को रिलीफ मिलेगी। तो इसलिए आप लोगों ने इतना समय दिया, हमारा भी मान सम्मान किया और आप छोटे से अगर रास्ते में निकलते हो तो आप इतनी सैकड़ों तदाद निकलते हो, इसलिए हम बहुत बहुत आपके आभारी रहेंगे। और हम जब भी किसी भी वक्त 24 घंटे आपको हम आपकी सेवा के लिए हमारे लाइव को सेवा हम आपके लिए तैयार मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।